मेरी तकरीर को आपने इंटरप्ट होने दिया, जो कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने मेरी तकरीर को इंटरप्ट होने दिया, प्लीज ना करे, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अपनी सीटों पे बैठे, अपने अपनी सीटों पे बैठे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करें और आप दूसरे बेंचेस जो हैं वो इंटरप्ट करें। ये आपने कल होने दिया और फिर इसका खमियाजा ये माफ कीजिए ये भुगतेंगे और आपको भी इसका जिम्मेदार बनाया जाएगा, तारीख आपको जिम्मेदार बनाएगी इसका। और आपने जिस खामोशी और सकूत तारी रखा, आपने ये आपने ऐवान की जिसका आपके पास जिम्मेदारी है, इस ऐवान की आपके पास जिम्मेदारी है, आपने इस ऐवान का जो एहतराम है आपने मजरू करवाया जनाब स्पीकर, मजरू करवाया आपने। मैं और तारीख आपको इन अल्फाज में याद रखेगी कि आपने ऐवान का जो तकद्दस है उसको मजरू करवाया आपने। बारकैफ मैं इंशाल्लाह अपनी तकरीर करूंगा और इंशाल्लाह तारीख उसका फैसला करेगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि रियासत मदीना का रियासत मदीना का आप प्लीज साइड पे हो जाए, जिक्र करने वालों को जनाब स्पीकर साइड पे हो जाए प्लीज, रियासत मदीना का जिक्र करने वालों को पहले हो जाए, मदीना की रियासत की मस्जिद का प्लीज ना करे मुतारा करना चाहिए, ना करे। और जनाब स्पीकर ये ना करे प्लीज, इनको चाहिए रूस के खिलाफ वर्जी करे कि वो ना करे प्लीज, माल को छोड़कर साइड की तरफ साइड पे चले, माल को छोड़कर अमाल की तरफ साइड पे चले जाए जनाब स्पीकर आप साइड पे चले। मैं यहाँ पर ये आपको आप साइड पे चले जाए बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी हुकूमत ने जनाब स्पीकर 2018 में अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी जो GDP ग्रोथ थी वो 5.8% पे जा पहुंची थी। और फिर उसके बाद इमरान खान नियाजी इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए तो पहली मरतबा 5 सालों बाद GDP पहले साल चली गई 2.1% पर। और फिर अगले साल कोविड आने से पहले जनाब स्पीकर इस तरह स्पीकर नहीं किया करते जिस तरह आप कर रहे हैं, ना करें ये आप मैं देखो पंजाबी में कहते हैं कि गोलियों से मट्टी उतार रहे हैं आप। बाहर क्या जनाब स्पीकर मैं कहना ये चाहता हूं कि अगले साल कोविड से पहले -0.5 GDP नीचे चली गई। आप अपनी सीटों पे 1952 अपनी सीटों पे जाएं जनाब स्पीकर, अपने अपनी सीटों पे जाएं, तारीख की सबसे कम GDP 1952 के बाद मैडम अपनी और सीट के बाद इन 3 सालों में जनाब स्पीकर इन 3 सालों में 2 करोड़ अफराद PTI के दौर में खते इफलास से नीचे जा चुके हैं और वो खते इफलास की गहरी खड में बेचारे गिर चुके हैं। जनाब स्पीकर आज आम आदमी एक वक्त की रोटी को तरस गया है इनको साइड पे करो। और मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद खते इफलास से नीचे जा चुकी है। जनाब स्पीकर ये आप 5 जनाब स्पीकर मुझे बताइए कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा किसने किया था? इमरान खान नियाजी ने। पूरी कौम इस बजट में सवाल करे ये पुकार पुकार के कि कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां इमरान खान। पूरी कौम भाई जो मोबाइल कर रहे हैं वीडियो कर रहे हैं पुकार के पूछ रही है जनाब स्पीकर कि कहां है वो 50 लाख ये मोबाइल ले लें, मोबाइल ले पूरी जो कर रहे हैं मोबाइल ले लें जनाब स्पीकर, सरापा एहतजाज है कि कहां है वो फूड सिक्योरिटी का वादा ले ले।
पूरी जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे मोबाइल ले ले। जनाब स्पीकर, पूरी कौम पूछती है सबसे मोबाइल ले ले। वो 300 अरब डॉलर रफीउल्ला जो वापस लाने थे, कहां है वो 300 अरब डॉलर? कहां गया वो दावा जनाब स्पीकर, कहां गया वो दावा कि हम 3 महीने में करप्शन खत्म कर देंगे? मोबाइल ले लें। हकीकत हाल यह है जनाब स्पीकर कि करप्शन तो इन्होंने क्या खत्म करनी थी, आज तारीख की बदतरीन करप्शन। पीछे जाए, पीछे जाए, आप लोग पीछे जाए, जारी है, पीछे जाए, पीछे जाए, तो पीछे जाए, पीछे जाए, पीछे 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 जाए। माशरे का हर शोभा आज करप्शन में घिरा हुआ है। कोई पोस्टिंग ट्रांसफर जनाब स्पीकर करप्शन के बगैर होती नहीं। और आपने अपनी सीटों पे बैठे प्लीज, आपने अपनी सीटों पे बैठे, लोगों की जेब, आपने अपनी सीटों पे बैठे प्लीज। गुर्बत से कट चुकी है, करप्शन ने उसको मजीद खराब कर दिया है। आपने अपनी सीटों पे बैठे हो गई है। तो मैं बता ये रहा था कि 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है। अपने अपनी सीटों पर बैठे, अपने अपनी सीटों पर बैठे। 50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए हैं और वो अपने अपनी सीटों पर बैठे, बड़ी अपनी अपनी सीटों पर बैठे, वो घर में धकेले जा चुके हैं जनाब स्पीकर। मैं आपको क्या बताऊं, दिल खून के आंसू रोते। स्पीकर साहब मुझे देखें, स्पीकर साहब इधर देखें, इधर इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें जनाब स्पीकर। आज साइड पे हो जाए साइड। स्पीकर तारीख की सबसे बुलंद सतह पर आज बेरोजगारी 15% पर पहुंच गई है, 15% पर, और महंगाई डबल डिजिट है, डबल डिजिट 16% पर महंगाई जा पहुंची है। आपको शर्माना चाहिए, मेरी तरफ देखें, आपको शर्माना चाहिए। राहुल साहब इधर स्पीकर, इधर देखें, इधर जनाब स्पीकर। इसी तरीके से मैं आपको आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए कि मजबूरी तौर पर अशियाए जरूरत की कीमतों में 30% इन 3 सालों में इजाफा हो चुका है। और मैं इस तरह करता हूं, कीमत सस्पेंड करता हूं, किसको 60% इजाफा हो चुका है। मैं गर्द की कर्जे 1100 से लेकर मैं इस इजलास को 28 मैं इजलास को सस्पेंड करता हूं, पहुंच चुके हैं गर्द की कर्जे 20 मिनट्स के लिए इजलास को सस्पेंड करता हूं। सालों में